नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों आज है दिन गुरुवार के लिए मैं कुछ उपाय लेकर आई हूं, कुछ बातें लेकर आई हूं। गुरुवार को हल्के में ना ले, सप्ताह के सातों दिन में एक दिन पड़ता है गुरुवार, लेकिन वो सातों दिन पर होता है भारी। गुरुवार को कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे आप अपनी कुंडली के दुख को कुंडली में ही छोड़ दीजिए। कोई उपाय कोई चमत्कारिक टोटके करने की जरूरत नहीं अगर गुरुवार को कर लिया जाए कुछ मामूली से छोटे छोटे से उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज गुरुवार को बिल्कुल समझ लीजिए क्या होता है ये दिन, क्यों आता है हमारे जीवन में और भगवान क्यों हर सप्ताह एक गुरुवार हमारे लिए देते हैं गिफ्ट की तरह। तो इस गिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। चलिए बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको चार ऐसे काम बताने जा रही हूँ जो गुरुवार को करने चाहिए, लेकिन शॉर्ट में जान लेते हैं कि गुरुवार को क्या ना करें। सिर्फ इन चीजों से बचकर भी आप अपने जीवन की स्थिति को, दाम्पत्य जीवन को, घर के लड़ाई झगड़ों को, बीमारियों को और शादी में होने वाली बाधाओं को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। और धन की कमी, गुरु तो मालिक होता है धन का, गुरु मजबूत हो जाए जिसका उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रह जाती। चलिए मामूली सी बात है, समझ लेते हैं। घर से कबाड़ ना निकाले, सीधे शब्दों में कहें कि घर को हल्का नहीं करना है गुरुवार को। लोहा टीना वाला आता है ना, कुछ कचरा दे दीजिए और हमें क्या लगता है अरे कूड़ा तो कब से पड़ा हुआ, आया है तो जल्दी से दे दो, पता नहीं फिर कभी आए ना आए। बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो दिन भले ही कोई और दिन हो, शनिवार ना हो कोई बात नहीं, पर गुरुवार ना हो। भूलकर भी गुरुवार को अपने घर को हल्का ना करें, कबाड़ ना बेचे। दूसरी बात है मकड़े के जाले को साफ ना करें गुरुवार के दिन, कभी भी मकड़े के जाल को साफ ना करें। अपने आप की भी सफाई, जैसे सर में शैम्पू करके नहाना, कपड़ों को धोना, सोने वाले बिस्तरों को धोना गुरुवार को बंद कर दें। गुरुवार को घर को हल्का ना करें, सीधी बात है। कई लोग तो गुरुवार को किसी को एक रुपया भी नहीं देते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, मत दीजिए। कहीं बहुत अर्जेंट पेमेंट की बात है, वहां पेमेंट के बिना नहीं रुक सकती है, बात आपकी नहीं चल सकती है तो अलग बात है, लेकिन गुरुवार को कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार का धन ट्रांसफर मत कीजिए, किसी और को मत दीजिए, घर से कबाड़ मत निकालिए, जाले मत निकालिए। बात करते हैं गुरुवार को क्या ऐसा चीज हम करें जिससे हमारी समृद्धि बढ़ जाए, हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ जाए, हमारे घर, हमारी दुकान, हमारा होटल, हमारा सब कुछ अच्छे से चलने लगे, शादी जो अटकी हुई है वो हो जाए। पहली बात करती हूँ, अगर आपके पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, जब से हुई है शादी तब से बहस हो रही है, बात तलाक पर भी आ गई है, लग रहा है पता नहीं क्या होगा, और ये दोनों की जोड़ी तो ब्रह्मा भगवान ने लिखी ही नहीं है ऐसा भी लोग कह रहे हैं, तो आपको एक उपाय मात्र करना है, अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल देना है, खुद भी और अपने पति के नहाने के पानी में भी। प्रत्येक गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें, और भूलकर भी शैम्पू या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, उस दिन प्लेन आप पानी से ही नहाएं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगेगी, पति पत्नी में सामंजस्य बैठेगा, और थोड़ी सी पहल कीजिए एक दूसरे को समझने की। बात करते हैं बीमारियों की, घर में कोई इंसान बड़े टाइम से बीमार है या तो बहुत झगड़ा करता है, लड़ाइयां करता है, आपके घर का ऑरा कम हो गया। ऑरा पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बेहतर से समझाऊंगी कि हमारा ऑरा अलग होता है, हमारे घर का ऑरा अलग होता है, हमारे दुकान का ऑरा, और शास्त्रों में ऑरा का बहुत महत्व है। तो आज बात करूंगी अगर आपके घर का ऑरा कम हो गया, लोग किचकिच करते, इस घर में जैसे कोई आता है वैसे झगड़े होने लगते हैं, आप सोचते हैं इससे तो अच्छा मैं अकेला था, यहां आते ही लड़ाइयां होने लगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको करना है एक उपाय, आपको गंगा जल ले लेनी है और उसमें हल्दी मिला लेनी है, बस ये दो चीजें मिला लेनी है, और घर के प्रत्येक कोने में आम के पत्ते को बिल्कुल कोना बना लें और आम के पत्ते से छिड़काव करें। आम का पत्ता ना मिले तो धूप की घास जो होती है, दुर्वा जिसको कहते हैं, उसे ही दो चार गुच्छा लेकर आप इस गंगा जल और हल्दी मिले जल को घर के कोने कोने में, जहां बिस्तर में आप सोते हैं उस पर भी छींटे, जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसके ऊपर भी हल्का छींटे, और घर के मुख्य द्वार पर बाएं और दाएं दोनों कोने में छींटे। इससे आपके घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं जो जम गई है, बैठ गई है आपके घर में, और जिसकी वजह से घर वाले आपस में लड़ते हैं, बाहर वालों से लड़ते हैं, घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है,
पैसे आते नहीं कि निकल जाते हैं, ये समस्या सामान्य रूप से खत्म हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको उपाय बताया है गंगा जल में हल्दी मिलाकर छींटने की, तो वह तो बड़ा सरल उपाय, 1 रुपए का खर्च नहीं है, तो आप सोचेंगे बड़ा हल्का उपाय है और इसका फायदा भी बड़ा हल्का होगा। मैं बता दूं ये सोने सा खरा उपाय है। ये उपाय आपने कर लिया तो पैसे तो नहीं लग रहे हैं आपके, ना मेहनत लग रही है, लेकिन जीवन में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत बदलाव ना हो जाए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। खास करके दुकानदार जितने हैं, जो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और दुकान नहीं चल रही है, मैं उनके लिए शॉर्ट में एक उपाय बताती हूँ, वो जरूर करें। वो ना सिर्फ गुरुवार को, वो सोमवार से गुरुवार, शनिवार, रविवार, टोटल जितने 7 दिन होते हैं, गंगा जल में हल्दी मिलाकर धूप की घास से अपने दुकान में काउंटर पे, जहां वो भगवान रखते हैं, वहां जहां आपका खाना बनता है, जहां आपके कपड़े दिखाए जाते हैं, जिस चीज की आपकी दुकान है, वहां इस जल का छिड़काव करें और दुकान के काउंटर पर बैठकर चुपचाप से विष्णु सहस्त्र का पाठ करें रोज। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बिजी आप कब है जब आपकी दुकान बहुत चल रही है, मैं तो बात उनकी कर रही हूँ जिनकी दुकान नहीं चल रही है, तो थोड़ी तो फुर्सत होगी आपको। आप अपने दुकान के काउंटर पर बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और अगर आप पाठ करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो विष्णु सहस्त्र को सुनिए, मोबाइल में लगाकर ही सुनिए, हेडफोन लगाकर सुनिए, लेकिन प्रत्येक दिन ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। महीने भर के अंदर आपके जीवन में चमत्कार ना हो तो मुझे जरूर कहिए। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उनके लिए जिनके शादी में विलंब हो रहा है, पूरी बात बन जाती है उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, पता नहीं 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, आपका रिश्ता हो ही नहीं पा रहा, आपको नौकरी है, आप देखने में अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको लड़की मिल रही है और जो लड़की है उनको कोई लड़का नहीं मिल रहा, तो एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। हर गुरुवार को चने की दाल, गुड़ और मुनक्के को, किशमिश को आप लोटे में डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, और गुरुवार को केले के वृक्ष में अर्पण करें, केले के वृक्ष के पास बैठ जाएं और सरसों तेल की एक छोटी सी दिया पीली बाती से जला दें। ये सरसों तेल का दिया आपके पूजा रूम के अंदर नहीं जलेगा, मंदिर में नहीं जलेगा, ये दिया जलेगा आपको केले के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार को करनी है। आप वहीं बैठकर बृहस्पतिवार की जो व्रत की कथा होती है आप उसे पाठ कर सकते हैं, वही आरती कर लीजिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लीजिए। है तो मामूली सा छोटा सा उपाय और बहुत पुराना उपाय है, कई लोग कहेंगे ये तो हम जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो क्या आपने किया है रेगुलर इसे? आप एक बार समझ कर देखिए, अगर इस उपाय को आप प्रत्येक गुरुवार को बिना विलंब किए करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका रिश्ता 11 गुरुवार होते होते हर हाल में हो जाएगा। बात संकल्प की करूंगी, जब आप ये गुरुवार का व्रत या गुरुवार को ये जो उपाय मैंने बताया करना प्रारंभ करते हैं तो पहले हाथ में जल फूल लेकर संकल्प करें केले के वृक्ष के पास भगवान बृहस्पति देव को, विष्णु भगवान को, कि मैं अपने इस अमुक कार्य के लिए ये उपाय कर रहा हूं और मेरा ये कार्य संपन्न हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपको ये संकल्प जरूर लें और बिल्कुल होगा आपका रिश्ता, बिल्कुल बीमारी जाएगी आपके घर से। गुरुवार एक ऐसा दिन है जो अद्भुत दिन है, भगवान ने दिया है। गुरु ग्रह अगर मजबूत हो जाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाता है, आपके घर से बीमारियां चली जाती है, धन की अपार वर्षा होती है। और सबसे पहले हमें जो मानसिक कलेश होता है ना, मानसिक कला होता है हमारे दिमाग में, ये खत्म हो जाता है। तो अगर हमारे मन में शांति है तो हम वैसे भी धनी है। तो गुरुवार को बिल्कुल करें ये कुछ उपाय, छोटे से अद्भुत उपाय जो जिंदगी में चमत्कार ले आते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपनों के साथ। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। जितने भी बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चरण छूकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।